मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस ऑनलाइन क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए BA पार्ट टू ज्योग्राफी ऑनर्स का पेपर 4 से यूनिट 2 का एक टॉपिक लाया हूँ और टॉपिक का नाम है विश्व के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के अंतर्गत। आज मैं बताऊँगा आपको अमेरिका का प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन सा है, उसके बारे में चर्चा करूँगा। और यह क्लास जो है वह 2 भाग में होगा। आज मैं उसका पहला भाग चर्चा करूँगा और दूसरे भाग में मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूँगा। तो आज जो इसमें मैं चर्चा करने वाला हूँ, सबसे पहले आपको बताऊँगा कि औद्योगिक प्रदेश का निर्धारण जो है वह किस आधार पर किया जाता है। इस बात पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूँगा। उसके बाद फिर आपको बताऊंगा कि अमेरिका का जो प्रमुख औद्योगिक प्रदेश है उसको मुख्य रूप से कई एक भागों में बांटते हुए उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें से जो भाग बांटा गया है वह 8 भागों में बांटा हुआ है। तो इसमें 8 भागों के अंतर्गत आज जो हम अध्ययन करेंगे उसमें पिट्सबर्ग, क्वींसलैंड प्रदेश, दूसरा है अटलांटिक तटीय उद्योग जिसके अंतर्गत न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर प्रदेश, फिर है दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश। ये 3 का मैं आज चर्चा करूँगा, बाकी का मैं अगले क्लास में चर्चा करूँगा। जिस जो अगले क्लास में चर्चा होगा उसमें है चौथा डेट्रॉइट प्रदेश, मिशिगन झील प्रदेश 5वां, छठा दक्षिणी संयुक्त राज्य प्रदेश, 7वां मध्य पश्चिमी प्रदेश और 8वां पश्चिमी प्रदेश। तो सबसे पहले यह चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूँ कि किसी भी प्रदेश का जो है औद्योगिक प्रदेश के रूप में बांटने का आधार क्या होता है। थोड़ा सा संक्षेप में चर्चा करूँगा। तो औद्योगिक विकास के स्तर, निर्माण उद्योगों के उत्पादन की मात्रा, उद्योगों में संलग्न जनसंख्या के प्रतिशत तथा उद्योग संबंधी अन्य विशेषताओं के आधार पर किसी भी प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश में बांटा जाता है। अब है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश के बारे में चर्चा करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का महानतम औद्योगिक शक्ति है। यहाँ उत्तरी अमेरिका का लगभग 80% औद्योगिक उत्पादन होता है। उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में ही सर्वप्रथम उपनिवेश स्थापित किए गए थे, जहाँ रेल तथा सड़क मार्गों के जाल तथा पूंजी निवेश ने औद्योगिक विकास की नींव डाली। कालांतर में अन्य राज्य भी विकसित होने लगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक प्रदेश जो है वह इस प्रकार है। पहला है पिट्सबर्ग, क्लीवलैंड प्रदेश। पिट्सबर्ग क्लीवलैंड प्रदेश, यह औद्योगिक प्रदेश उत्तरी अपलेशियन कोयला क्षेत्रों से संबंधित है। उच्च कोटि के कोकिंग कोयले के कारण यहाँ लोहा इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। लौह अयस्क सस्ते झील मार्ग द्वारा आयात किया जाता है। लोहा इस्पात का विनिर्माण पिट्सबर्ग तथा यंगस्टाउन क्षेत्रों में विशेष रूप से विकसित है। व्हीलिंग जॉनस्टाउन, स्टेनहेन विले, बीवर फॉल्स, क्लीवलैंड, कोलंबस, कैंटन तथा बफेलो अन्य इस्पात केंद्र है। यहाँ इस्पात पर आधारित अनेक इंजीनियरिंग उद्योग जैसे रेल इंजन, मोटर गाड़ी, कृषि उपकरण इत्यादि विकसित हो गए हैं। पिट्सबर्ग क्षेत्र में कांच उद्योग भी विकसित हैं। एकरण विश्व का विशालतम रबड़ उत्पादक केंद्र है। ईस्ट लिवरपूल में पॉटरी उद्योग उन्नत है। तो इन उद्योगों के अतिरिक्त यहाँ विद्युत उपकरण, सिंथेटिक रेशे, वैज्ञानिक उपकरण, घड़ियाँ, हल्के उद्योग, उपभोक्ता उद्योग, कागज एवं लुगदी, प्रिंटिंग मशीनरी आदि अनेक उद्योग भी विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए हैं।
अब दूसरा जो इसका औद्योगिक प्रदेश है वह है अटलांटिक तटीय औद्योगिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत जो है न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर प्रदेश शामिल है। न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर प्रदेश इसके अंतर्गत शामिल है। यह प्रदेश संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वाधिक घना आबाद प्रदेश है। इसमें महानगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त न्यू जर्सी का अधिकांश उत्तरी भाग तथा पूर्वी पेंसिल्वेनिया भी सम्मिलित हैं। इस प्रदेश की उत्तरी अपलेशियन कोयला क्षेत्रों की सुविधा तथा कच्ची सामग्री के आयात एवं तैयार माल के निर्यात के लिए पत्तनों की सुविधाएं भी प्राप्त है। इसका बृहत घरेलू बाजार है। यहाँ विविध प्रकार के उद्योग पनप गए हैं। देश के वस्त्र उद्योग में संलग्न लगभग 2/3 श्रमिक यहीं मिलते हैं। बाल्टीमेर क्षेत्र प्राथमिक धातुओं, परिवहन उपकरण, वस्त्र, विद्युत मशीनरी, विभिन्न प्रकार के धातुओं के सामान आदि के लिए महत्वपूर्ण है। फिलाडेल्फिया क्षेत्र में वस्त्र निर्माण, धातुओं के निर्मित सामान, विद्युतीय तथा गैर विद्युतीय मशीनरी, रासायनिक पदार्थों आदि का उत्पादन तथा प्रकाशन उद्योग महत्वपूर्ण है। पूर्वी पेंसिल्वेनिया में लोहा इस्पात, फाउंड्री उत्पाद, मशीनें, टेक्सटाइल, वस्त्र, सीमेंट, चमड़ा उद्योग इत्यादि स्थापित है। न्यू जर्सी के प्रमुख उद्योगों में विद्युतीय मशीनरी, रसायन, वस्त्र, धातु के सामान, परिवहन उपकरण, प्राथमिक धातुएं, टेक्सटाइल आदि सम्मिलित है। न्यूयॉर्क सिटी क्षेत्र में उद्योगों का विविधीकरण मिलता है, जिनमें वस्त्र निर्माण सबसे महत्वपूर्ण है। उपकरण, रसायन, धातु निर्मित सामान, परिवहन उपकरण, बुने हुए वस्त्र, टेक्सटाइल, यंत्र आदि अन्य प्रमुख उद्योग हैं। इस प्रदेश के प्रमुख निर्माण केंद्र न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर, जर्सी सिटी, ट्रेंटन, विल्मिंगटन, डेलाकेसर, स्क्रैम्पटन, हैरिसबर्ग, रिचकंड, स्पेरोज पॉइंट, फार्मिंगडेल, न्यूपोर्ट न्यूज, नॉरफोक आदि हैं। अब जो तीसरा इसका औद्योगिक प्रदेश है वह है दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश। इस प्रदेश में सस्ती जल विद्युत की प्राप्यता वस्त्र उद्योग के प्रारंभिक विकास के लिए प्रमुख आकर्षण थी। निकटवर्ती अपलेशियन प्रदेश का कोयला रेल या तटीय जल मार्ग द्वारा प्राप्त था। वर्तमान समय में सभी औद्योगिक जिलों में विद्युत शक्ति का प्रयोग होता है। यह प्रदेश वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात था, किंतु अब इसका महत्व समाप्त प्राय हो गया है। यहाँ जूता उद्योग भी महत्वपूर्ण है, फिर भी अब पश्चिम में स्थित कारखानों से इसकी तीव्र स्पर्धा है। यहाँ कच्चा माल प्राप्त होता है। न्यू इंग्लैंड में उद्योगों की विविधता मिलती है। कने विंटकट में पीतल, इलेक्ट्रो प्लेटिंग तथा युद्धास्त्र, रोड द्वीप में श्रृंगार सामग्री, पश्चिमी मैसाचुसेट्स व दक्षिणी न्यू हैम्पशायर में कागज उद्योग, बोस्टन में पोत निर्माण उल्लेखनीय है। फॉल रिवर, बोस्टन, प्रोविडेंस, न्यू बेडफोर्ड, लॉवेल, मानचेस्टर, बोरचेस्टर, स्प्रिंगफील्ड, हार्टफोर्ड, लॉरेंस, न्यू हेवन, ब्रिजपोर्ट आदि प्रमुख औद्योगिक केंद्र के रूप में दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश का जो है वह गिना जाता है। तो आज जो आपने जाना उसमें आपने जाना कि संयुक्त राज्य अमेरिका के तीन प्रमुख औद्योगिक प्रदेश के बारे में आपने जाना। पहला बताया आपको पिट्सबर्ग, क्लीवलैंड प्रदेश। दूसरा बताया आपको अटलांटिक तटीय औद्योगिक क्षेत्र, जिसमें न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, बाल्टीमोर प्रदेश। और तीसरा बताया आपको दक्षिणी न्यू इंग्लैंड प्रदेश। तो उम्मीद करता हूँ छात्रों कि जितना आज मैं बताया आपको, इसको आप भलीभांति समझ गए होंगे।
और इसके दूसरे भाग में, इस लेक्चर के दूसरे भाग में जब मैं मिलूंगा आपको, तो इसके बचे हुए भाग का मैं फिर से चर्चा करूंगा, उसके बारे में फिर विस्तृत व्याख्या होगी। मिलता हूँ फिर इसके दूसरे भाग में, तब तक आप स्वाध्याय करते रहिए और जो है इस ऑडियो वीडियो को जो है देखिए, समझिए, और यदि कोई समस्या हो तो मुझे बताइए, मैं उसका समाधान करूंगा। धन्यवाद।